पांच मिनट की टिफिन स्नैक सीरीज में आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार रेसिपी। तो स्टार्ट करें श्वेता। यस, तो मैं यहाँ थोड़ा पहले ऑयल डाल देती हूँ पैन में और इसको थोड़ा सा यहाँ ग्रीस कर दूंगी ऐसे, और एकदम स्लो गैस रख दिया है। सो यहाँ मैंने 1 कप उबला हुआ आलू लिया है, उसमें मैंने यहाँ 1/2 कप ग्रेटेड पनीर और मैंने 1/2 कैरेट ग्रेट करके रखा है। कैरेट इज ऑप्शनल? ऑप्शनल। तो देखिए कैरेट ऑप्शनल है, आलू आप बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं एंड देन सुबह सुबह निकाल के मैश करके ही रखिएगा। इमीडिएटली पनीर ग्रेट कर लीजिएगा और कैरेट आपके ऊपर है आप डालना चाहते हैं या नहीं। यस, फिर इसमें थोड़ा हैंडफुल ऑफ धनिया पत्ता, ये ब्रेड क्रम्स है, कुछ नहीं, खाली नॉर्मल ब्रेड को मैंने मिक्सी घुमाया है। और ब्रेड क्रम्स भी आप घर में तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, पूरे हफ्ते भर आपके काम आ सकते हैं। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी हम थोड़े अपने ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है बाइंडिंग के लिए, 1 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्नफ्लोर सेम काम करता है बाइंडिंग के लिए, तो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये है आमचूर पाउडर और ये 1/2 स्पून ऑफ गरम मसाला। अभी हम सब अच्छे से हाथ से उसको मैश कर देंगे। सो देखिए झटपट उन दिनों के लिए जब आप लेट उठते हैं या आपके पास टाइम नहीं होता, किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं, तो ये 5 मिनट में झटपट रेसिपीज हैं। आलू हमेशा बॉइल्ड हम फ्रिज में रहते ही हैं, हर किचन में, मोस्ट ऑफ द किचन्स में। आलू निकालिए, पनीर को ग्रेट करिए, कैरेट ऑप्शनल है, और मसाले डालिए और झटपट हम आपको ये 5 मिनट टिफिन स्नैक की रेसिपी दिखा रहे हैं। So, देखिए हम क्या बना रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में विद द लवली मॉम श्वेता शेख के संग, जहां हम आपको 5 मिनट टिफिन स्नैक रेसिपी क्विक क्विक दिखा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसके रोल्स करके तो अभी आपको पता चल गया होगा हम क्या बना रहे हैं। पता चल चुका है। सो ये हमने कटलेट बना दी अपनी, और यहाँ जो मैंने जो गैस किया था उसमें हम डाल देंगे कटलेट को। सो साइड बाय साइड यहाँ अपना गैस तेल गरम हो रहा है, हमारे यहाँ कटलेट बन रही है। सो बी वेरी इजी एंड क्विक। ये सारी रेसिपी श्वेता जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके आई हैं आपके लिए, जो वो सुबह सुबह बनाती हैं जब वो लेट उठती हैं या उनको लेट हो जाता है और उनको झटपट टिफिन में रखना होता है, या आप अपने टिफिन में भी रख सकते हैं, अपने हस्बैंड के टिफिन में भी रख सकते हैं, अपने बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। आपको ये टिफिन स्नैक रेसिपीज कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा। अब हम झटपट इसको किस फ्लेम पे, अभी मीडियम टू हाई। ओके, तो अपना जैसे गैस एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, तो अगर आप प्रेस कर देंगे तो अच्छे से एकदम सिक जाएगा अपना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा, क्योंकि हर मॉम बहुत ही मेहनत के संग आपको ये रेसिपी दिखाती है। और हम थोड़ा यहाँ भी ऊपर भी तेल ब्रश कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियोस लेके आते हैं। गारंटी ये रेसिपी आपकी किचन में भी ऐसी ही बनेगी। अभी जरा एक बार खाली टर्न करके देख लेंगे अपनी कटलेट, देखो ऑलमोस्ट होने आई है। देखिए फटाफट 5 मिनट में ये रेसिपीज बनती हैं, आप झटपट इनको बना सकते हैं। सुबह सुबह आप टिप्स फॉलो करिए, क्योंकि मॉम्स के पास ये जो टिप्स होती है ना ये बहुत काम की आती है। थैंक यू श्वेता फॉर द लवली सीरीज दैट यू आर डूइंग एंड हेल्पिंग आउट सो मेनी मॉम्स। ये देखिए बस ऐसा थोड़ा ब्राउन होना है कटलेट को, एंड किड्स वुड लव इट। पनीर, आलू, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी वेजिटेबल डालने हैं डाल सकते हो। हमने गाजर डाली है क्योंकि वो सीजनल है, तो आप झटपट उसको यूज कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट अपनी कटलेट हो गई है। ये देखिए दोनों साइड जस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है अपनी कटलेट। और अगर आपको इसको और क्रिस्पी बनानी है तो इसको स्लो फ्लेम पे आप सेक सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। पर अगर झटपट बनानी है तो ये बनाइए 5 मिनट में। अब बन चुकी है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, तो देखिए अपनी बढ़िया सी कटलेट, कटलेट्स बन चुकी है। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब हम यहाँ पे कटलेट्स रख रहे हैं आपके लिए गर्मा गर्म। तो देखिए 5 मिनट का झटपट हमारा टिफिन स्नैक रेडी है, अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। दिस इज लुकिंग अमेजिंग श्वेता, बहुत मन कर रहा है इसको खाने का। शानदार रेसिपी आपने बताई है, थैंक यू सो मच फॉर लवली रेसिपी वंस अगेन। अब इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे कल दोबारा 12:30 बजे विद अनदर रेसिपी। बाय बाय एवरीवन।